I went to AIIMS Jodhpur Fest and met many people who know me through YouTube. नीट की प्रिपरेशन के प्रिपरेशन में देखा था आपको लॉकडाउन में स्टार्ट किया था एसएमएस जयपुर इंटरव्यू दिया था ना आपने एसएमएस का एक मैंने जब तैयारी कर रहा था मैंने देखी थी अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बनाते थे कब से जानते मेरे को एक साल हो गया एंड सम यूट्यूबर्स एंड सम रियली बिग टॉपर्स बट दीज वर नॉट द ओनली फोटोज आई टुक दे वर टू मेनी बट इट ऑल स्टार्टेड विथ यार जाऊँ या ना जाऊँ विथ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर सेकेंड ईयर एग्जाम्स एंड सो मच वर्क ऑफ यूट्यूब एंड अकेडमी ब्ला ब्ला एंड फाइनली डिसाइडेड चलो चलते हैं We all went up on a train to Jodhpur and did a lot of masti. After that I got bored, so thought to study something and meanwhile introduce you to a new feature of PrepLetter, which is also the sponsor of today's video. So PrepLetter has recently launched its module-based learning feature for students preparing for next. As you people know, next aa raha hai and because of it, people are now shifting to learn system-wise because learning with integration of multiple subject of a single system to get the full picture is a must now. To do this, we normally have to open 6 books of different subjects, but now with just a single click, we can get a complete understanding of a given topic. For example, agar tumhe GIT ke baare mein padhna hai, so within a single click, you can access embryology and development, physiology, GIT pathology, GIT medicine, GIT Pharmacology, Pediatric GIT and Surgery GIT. This is just a wow feature for all the people who are preparing for next. Because it will make the vertical and horizontal integration too easy. PrepLetter always come with new surprises and this one was the one I liked the most. To experience this feature, download the PrepLetter app, link is in description. Also a side note, if you think to take a subscription, just use the code PARTDCVD, you will get some extra discount. And this is how I reached the Jodhpur station. A bus from AIIMS Jodhpur came to take us and we finally reached AIIMS hostel. So hi everyone, abhi main hu AIIMS Jodhpur mein and today is day 1. Now I am going to the auditorium jahan par ki karyakram chal rahe hain. Aapko awaaz aa rahi hogi. तो बहुत ही फनी चीज़ें आज यहाँ पर हो रही हैं जब से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो लोग मुझे कुछ लोग तो मुझे घूरते हैं और देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता और इग्नोर कर देते हैं कुछ लोग घूरते हैं आते हैं की बात करने और कुछ लोग के पास मैं खुद ही चले जाता हूँ वो बेचारे इतनी देर से घूर रहे होते मैं कहता हूँ चलो उनसे बात कर लेता हूँ एंड देन केम द फर्स्ट डीजे नाइट वी वर ऑल वेटिंग फॉर And this is how my day 1 ended. Now before we start day 2, let's jump over a B-roll. हेलो एवरीवन तो आज है डे 2 एंड अभी मैं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं कुछ हो रहा है
Question 6. Mrs. Dalloway. Here I met Rhythm Shivastav, who is a YouTuber, you may know. तो अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे पता चला यहाँ पर हर्बल गार्डन है. तो ये एक्चुअली मैं आयुष की बिल्डिंग के बगल में, आयुष मतलब कि जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के होते हैं. तो यहाँ पर चल के देखते हैं भाई, ये सारे पेड़ हैं, इनके बॉटनिकल नाम हैं विदानिया सोमिनीफेरा सोलेनेसी. नाउ यू मे बी वंडरिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ. सो एक्चुअली आई पार्टिसिपेटेड इन मिस्टर ओरा कॉम्पिटिशन एंड दिस वाज अ ट्विस्टर गेम जो हमें वहाँ खेलना था, जिसमें कि मी एंड माई कॉम्पिटिटर बोथ लॉस्ट. दिस वॉज टिक टेक टो जिसमें कि आई वन, एंड दिस गेम का मुझे नाम नहीं पता है बट आई वन इन दिस टू. एंड देन केम द नाइट वी वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, द जाकिर शो. ये बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, जाने किस दिन में खोई रहती है मेरी रात नहीं समझती. और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती. सो हाई एवरीवन, तो अभी यहाँ पर लिटमन स्टेटोस्कोप की एग्जीबिशन लगी हुई है इन द ऑडिटोरियम. तो आप देखोगे तो ये अलग अलग टाइप के स्टेटोस्कोप हैं लिटमन के, एंड ये पांच तो बेसिक टाइप के हैं, एंड ये जो स्टेटोस्कोप्स हैं ये स्पेशल स्टेटोस्कोप्स हैं. लाइक इनफैक्ट इस स्टेटोस्कोप में ब्लूटूथ का फीचर है. तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने क्योंकि थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं मैस का खाना एक बार ट्राई करके देखता हूँ. मैंने पिछली बार फेस्ट में एक बार खाया था भोपाल में, अभी फिर से ट्राई करके देखते कैसे लगेगा. आई ट्राइड इट एंड लिटरली काफ़ी सही था यार. उसके बाद वी हैड अमित त्रिवेदी कॉन्सर्ट जो कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर है. Now fest is something जो हमें नाइट लाइफ को फील कराता है, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स इट्स ओन बी रोल. सो हियर इट इज. तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे और काफी ज्यादा गर्मी है लग रही है अभी. जैसे जैसे फेस्ट खत्म हो रहा है लग रहा है हम कुछ बहुत बड़ा मिस करने वाले हैं. वो नाइट लाइफ, वो डीजे पर डांस, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर पागलों की तरह नाचना, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस बार जो बहुत यादगार रहने वाली है. चार दिन बीत चुके हैं, पता ही नहीं चला टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत गया. लगता है अभी कुछ देर पहले ही तो आए थे हम यहाँ. आज आखिरी दिन है फेस्ट का, उसके बाद सब नॉर्मल होने वाला है. वही स्ट्रेस, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन, वही फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी सब वापस आने वाला है.
बाय।